बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार्स में जाते हैं ताकि जिस फील्ड में भी वो चाहें बहुत अधिक सफलता हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, मोटिवेशनल वीडियोस को देखकर या मोटिवेशनल सेमिनार में जाकर मोटिवेट हो जाना और मोटिवेट हो जाने के बाद उस काम को कर पाना, ये दोनों अलग अलग बात। लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स की स्पीच को सुनकर कुछ भी करने के लिए मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन वो कर पाते हैं नहीं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि अपने जीवन में वो कितना निरंतर और सतत प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, मोटिवेशनल बात कहना या सुनना ये एक बात है, उस पर अमल करना ये दूसरी बात है। और ये बात केवल व्यूअर्स या ऑडियंस पर ही नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर्स पर भी लागू होती है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, ये बात मोटिवेशनल स्पीकर्स पर भी लागू होती है। मोटिवेशनल स्पीकर्स कई बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर कह देते हैं, लेकिन क्या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो उन बातों को इम्प्लीमेंट करके सफलता हासिल कर पाते हैं? फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक बिजनेस ट्रेनर हूं, और बिजनेस ट्रेनिंग के ऊपर बोलने से पहले मैंने मेटास ओवरसीज लिमिटेड का बिजनेस संपूर्ण भारतवर्ष में स्थापित किया। ठीक उस तरह से ऑनलाइन ई कॉमर्स इंडस्ट्री पर बोलने से पहले ऑनलाइन ई कॉमर्स इंडस्ट्री की स्थापना की, और हाँ, फिटनेस पर बोलने से पहले अपनी बॉडी को खुद ट्रांसफॉर्म किया, क्योंकि मेरा खुद से एक कमिटमेंट है कि मैं जिस भी विषय पर ट्रेनिंग देता हूं, प्रैक्टिकली पहले अपनी इंडस्ट्री में, अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करता हूं, उसके बाद ही उस विषय पर मैं ट्रेनिंग देता हूं। मैं जो करता हूं वही कहता हूं। एक रियल मोटिवेशनल स्पीकर वो है जो रियल मोटिवेशन एग्जाम्पल सेट करे। तो आइए एक अभियान चलाते हैं। ये चैलेंज नहीं, एक अभियान है। जी हाँ, अभियान, स्वस्थ भारत अभियान, स्वस्थ भारत अभियान। अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ओवरवेट हैं, तो स्वस्थ भारत अभियान के तहत अपने आप को फिट करके दिखाएं, ताकि लोग आपके रियल एग्जाम्पल को देखकर इंस्पायर हो सकें। जैसा कि रियल एग्जाम्पल हमारे यूथ आइकन संदीप माहेश्वरी जी ने किया। वो पहले खुद ओवरवेट थे और उन्होंने अपने आप को फिट किया, उसके बाद यूथ को फिट रहने की नसीहत दी। तो मेरा आप सभी व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को उन सभी मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ टैग करें और शेयर करें जो खुद ओवरवेट हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसा वीडियो जो वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी को फॉलो करते हुए एक रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मैं हूं, जी हां, मैं खुद। एक साल पहले खुद के शरीर से नाखुश, मैं अपने बच्चों को अपनी उम्र में हेल्दी देखना चाहता हूं, और मैं ही क्या, दुनिया का हर माँ बाप अपने बच्चे को हेल्दी देखना चाहता है, खुश देखना चाहता है। और आपके बच्चे वैसे बनते हैं जैसे आप होते हैं, क्योंकि वो आप ही की तो छवि है। इस ओवरवेट शरीर के साथ मैं चल नहीं पाता, जरा देर तक खड़ा नहीं हो पाता, दौड़ने की बात तो बहुत दूर, शरीर जल्दी थक जाता है, स्टैमिना तो जैसे खत्म हो गया है। लोग कहते हैं अब क्या करना है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अरे अभी तो ज़्यादा जरूरी है अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए अपने आप को स्वस्थ रखना, तभी तो आप उनके लिए कुछ कर पाओगे। बस अब बहुत हो चुका, मैं अपने आप से नहीं खुश, अब वो हासिल करना है जिसे देखने व पाने की चाहत सबकी होती है। कुछ ऐसा बन के दिखाना है जो सबसे अलग हो, पर बड़ा मुश्किल सा लगता है। कैसे होगा, कब तक होगा, होगा भी या नहीं, लेकिन ये नहीं सोचना, बस करते रहना है, थोड़ा ही सही पर रोजाना, क्योंकि हर बार 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 लगातार बस रोजाना करते रहना मुझे अच्छा लगता है। यह मंजिल तक पहुँचने की चाहत ही है मेरी जो मुझे रुकने नहीं देती, इसलिए रोजाना बस कुछ ही कदम से बस आगे बढ़ते हैं, बस बढ़ते ही जाओ बिना सोचे। और हाँ, जब देखोगे थोड़ा ही सही पर चलते चलते मंजिल के बहुत करीब आ गए, तो बहुत सुकून मिलता है, और जो मुश्किल सा लगता था वो सपना सच हो जाता है, और आपको अपने नए अवतार से मिलकर बहुत खुशी मिलती है, फिर से नई उमंग, नए सपने जन्म लेते हैं। इसी का नाम जिंदगी है, बस चलते जाना। इसलिए मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी से कहता हूँ, सोना मत, खुद को तकलीफ दे के जगाना पड़े तो जगाओ, पर तुम सोना मत, अपने आराम से बाहर आना पड़े तो आओ, पर तुम सोना मत, क्योंकि जब उम्र बीत जाएगी और सिर्फ नाकामयाबी हाथ रह जाएगी तो चाहकर भी नींद नहीं आएगी, इसलिए तुम सोना मत। जब तक मंजिल के बीच आने वाली हर मुसीबत खुद थक कर सोना जाए, तब तक तुम सोना मत। ड्रीम विद योर होप ऑन आइज़। दोस्तों, इस अभियान से जुड़ने के लिए मेटास क्लब के ट्विटर पेज को टैग करते हुए हैशटैग स्वस्थ भारत और हैशटैग मैं हूं फिट पर ट्वीट करें, और साथ ही साथ इसको शेयर करें।